तो लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा अपनी पहली वाली नोड को, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए, नॉर्मल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, और भी होती है जोर लिंक लिस्ट, पर ये इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में। ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज का थर्ड टॉपिक है, जिसने पुराने टॉपिक अब तक नहीं देखे हैं वो उनको फॉलो कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे आ सकता है। तो अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिसोर्सेज वाला पार्ट आएगा और उनके बाद क्वेश्चंस वाला पार्ट। जो भी अब तक फॉलो कर रहे हैं पुराने लेक्चर्स को उनको पता ही होगा इस बारे में, है ना। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिंक लिस्ट है क्या? लिंक लिस्ट एक लीनियर डीएस है, डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एलिमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। जैसे हमने सेकंड लास्ट वीडियो में देखा था एरेज में, कि जो भी अब इसमें स्टोर हो रहे हैं एलिमेंट्स वो सारे कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। जैसे हमारा मेमोरी है 1 से लेके 100 तक की, ये नंबर जो है इसको एड्रेस मान लो कि 1 एक एड्रेस है 2 एक एड्रेस है 100 तक एड्रेस है हमारे पास, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो करना क्या है, जब एक एरे आप उसमें स्टोर करोगे, मान लो एरे 10 साइज का था, तो उसके एलिमेंट ऐसे स्टोर होंगे कि पहला एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे, सेकंड लोकेशन पे और 10th एलिमेंट 10th लोकेशन पे। तो कहना क्या चाह रहा हूँ कि सारे एलिमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे, ऐसा नहीं कि पहला पहली पे हो गया, दूसरा जो है वो 15th लोकेशन पे हो गया। मेन कहना ये चाह रहा हूँ कि सारे कॉन्टिन्यूस लोकेशन पे हो गए, पर लिंक लिस्ट में ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास नॉन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन अवेलेबल हैं तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस भी उसमें एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट जो भाई हमारे, इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, इनको बस मेमोरी दे दो, कॉन्टिन्यूस नहीं भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो, ठीक है। तो अब ये एग्जाम्पल है, एक ये एक लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप के दिखने में होती है, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे एक को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। नोड में दो चीज़ों का कॉम्बो होता है, एक डाटा जो कि वैल्यू होगी आपकी, और एक नेक्स्ट पॉइंटर जो कि पॉइंट कर रहा होगा आपकी नेक्स्ट नोड को। तो ये एक नोड है जिसमें इसका डाटा ए है और ये पॉइंट कर रहा है बी नोड को, तो यहाँ रीच जब हम कर जाएंगे तो ये बी है वैल्यू इसकी और सी वैल्यू, और लास्ट नोड जो कि वो पॉइंट कर रही होगी नल को, यानी यहाँ पे आपकी जो निकलिस्ट है वो एंड हो गई है, ठीक है। और पहली नोड को हम कैसे ट्रैक करेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे हेड नाम का, जो कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, बेसिकली ट्रैकिंग पर्पस के लिए हेड यूज कर रहे हैं। अब लिंक लिस्ट किन किन टाइप्स की होती है, ये तो एक नॉर्मल लिंक लिस्ट थी, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो वो होगी सीएलएल यानी सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होगा, कि जो आपका लास्ट वाला नोड का पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि अभी ये नल है, पर अगर सीएलएल की बात करें तो ये क्या करता, तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा होता। तो बेसिकली लिंक लिस्ट जो एक सर्कुलर फैशन में हो गई, इसलिए इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगली है डीएलएल, ये है डबली लिंक लिस्ट। तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर नोड का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, कि आपकी ये वैल्यू हो गई, ये आपका प्रीवियस पॉइंटर हो गया और ये आपका नेक्स्ट का पॉइंटर हो गया, यानी ये आगे वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा और ये पीछे वाले नोड को, बाकी सब वैसे ही है, मतलब उस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ये बस एक पॉइंटर एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, तो डबल लिंक लिस्ट में आ गया। और सीडीएल मतलब सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट, सेम केस रहेगा यहाँ पर भी। तो लास्ट वाले नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा अपनी पहली वाली नोड को, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हो गए, नॉर्मल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, और भी होती है जोर लिंक लिस्ट, पर ये इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती। उसके बाद जो है वो है नो डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल। जैसे एरे में था उसमें इंडेक्सेस होते थे, इंडेक्सेस का यूज करके हम किसी भी बीच वाले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे, पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। अगर आपको सी को एक्सेस करना है, इस नोड को एक्सेस करना है, उसके लिए आपको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले ए पे आओगे, उसके बाद आगे जाके बी पे जाओगे, उसके बाद आगे जाके सी पे जाओगे। तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो आपको पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक है। लास्ट जो है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सारा तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही पता होनी चाहिए कि किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसका फायदा क्या है, क्यों बनाई है ये। तो एप्लीकेशन में आ जाएगा स्टैक, क्यू, ग्राफ, इन सब की इंप्लीमेंटेशन में हम यूज़ कर लेते हैं। और जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है उसके अंदर भी लिंक लिस्ट यूज़ होती है। अब इसको अगर और डीप में जाना है कि कैसे इसके अंदर कैसे यूज़ हो रही है, तो उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज दे दूंगा मैं, उनको फॉलो कर लेना। अब ये जितना ही मैंने पार्ट समझा दिया है, एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए समझाया था, बाकी डिटेल में जो आपको समझना है वो जो रिसोर्सेज मैं अटैच करने वाला हूँ उससे समझ लेना, ठीक है।